क्योंकि ये एक बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी ऐसे है कि आपको लोगों का ख्याल रखना चाहिए और अपने बहन भाई या दूसरे जो से लोग हैं जो आपसे थोड़े नीचे लेवल पे हैं, मतलब कि जो बेचारे मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे अपने घरों पे। मेरा नाम अरहाम उमर है, ये मेरा दोस्त बासित सुहेल। जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी उनको शायद थोड़ा आइडिया हो कि ये वीडियो किस चीज़ पे बनी हुई है या बन रही है। तो अब मेरी लास्ट वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, और बहुत खुशी हुई है कि जिन जिन लोगों ने वीडियो देखी है और बहुत से भाई हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अब जो काम कर रहे हैं कि हम उसको एक अच्छे तरीके से कर सकें, मसलन के अब हमें जो चीज़ें मिल रही हैं अब जिनको हमने आगे पहुँचानी है असल हकदार वो हों, मतलब कि जो सही हकदार हम उनको दे सकें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सारे भाइयों से जो अब फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं कि यार हम जो कर रहे हैं हमारा मतलब दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि एक आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि चीज़ें कैसे आती हैं या कैसे दी जाती हैं, और जो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और जो जिन्होंने इससे पहले कुछ ऐसा कुछ बना रहा हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मतलब कि पूरा जो एक सिनेरियो है कि मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं आपको कुछ कुछ उसके क्लिप्स दिखा सकूँ कि मतलब कि जैसे हम ले रहे हैं और कैसे आगे दे रहे हैं, लोगों का रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि एक चीज़ आप जब खुद ऑब्जर्व करते हैं ना अपने सामने देखे तो आपके दिल पे वो एक चीज़ मतलब असर करती है। क्योंकि हम पहले भी करते थे इस चीज़ें तो हम ना लोगों का रिएक्शन जब देखते हैं ना तो उस टाइम आपका दिल करता है कि यार आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो ना आप और करो। क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है कि जब आप ये चीज़ कर रहे होते हो ना तो आपको एक दिल से खुशी मिलती है, आपको मतलब कि एक सुकून मिलता है जब आप करते हो, तो आप कहते हो कि यार हम और करें। मैं चाहूँगा अल्लाह सबको इतनी तौफीक दे कि सारे बढ़ के इस जो इस हमारे मुल्क का हालात चल रहे हैं उस पर हम जितना कर सकते हैं कम, जितना करें भी उतना कम। क्यों बात ठीक है, इनको बताओ ना कि जब हम चीज़ें दे रहे होते हैं तो जब ख़त्म हो रही होती है तो हमारा दिल ऐसे बेसकूनी सी आ जाती है कि चीज़ें ख़त्म ना हो, कोई बंदा हमारे पास से खाली हाथ ना जाए। बिल्कुल ठीक बात की बात सुन, क्योंकि हम जब लास्ट टाइम भी जब रमज़ान में हम लोग कुछ ऐसा करते थे और जिस टाइम हमारा मतलब कि एंड होने वाला होता है ना चीज़ों का कि लोग मतलब लाइन में उस टाइम ही लगी होती है। अब ये चीज़ तो यार गलत है कि आप मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ बांटने निकलो उसकी मतलब क्वान्टिटी कोई 100 या 50 हो तो आप वहाँ जाओगे ना आपके पास, मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि वहाँ पर अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी जो आपके पास क्वांटिटी जिसकी 50 है वहाँ लोग कोई 150 खड़ा होगा। और जिस टाइम वो चीज़ें नहीं पूरी हो रही होती आपका दिल करता है कि यार हम और ले आते या और कर लेते, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना बेस्ट है। सब भाई अभी हम निकले हुए हैं तो इंशाल्लाह अलग घर, पूरी उम्मीद है कि जिस काम के लिए निकले हैं सब काम अच्छे से और पूरे हो जाए। बाकी आप सब भाइयों की सपोर्ट और दुआएं चाहिए। बस दोपहर के निकले हैं, अब देखें अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई है, अब उम्मीद तो करते हैं कि इंशाल्लाह जो काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से पूरा हो जाए। आमीन। जी जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम फ्री होके आए हैं वापस, तो कल भी हमारा प्रोग्राम है कुछ कंट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, सब भाई मिलकर हम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत हो रही है। तो उम्मीद है आप सब भाइयों से गुजारिश भी है कि आप लोग भी हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें और हमारी जितनी से जितनी मदद हो सकती है करें, और लोगों तक इसी तरह ही सब पैगाम फैलता है, मैसेज फैलता है कि यार इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम है। और हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि अब जो दो दोस्त हैं जो हमारे सर्कल में उनको तो हम वैसे भी वर्बली बंदा कह सकता है, मिलके कह सकता है, और जो लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिटी हैं या जिनको हम नहीं जानते वो वीडियो देखें, मकसद ये था कि ताकि वो भी देखें उनको भी थोड़ा आइडिया हो कि यार ये काम करना बहुत ज़रूरी है। असल में मैं वो पहले सोचा था कि जैसे हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे इकट्ठा करते हैं वो सारा दिखाऊँ, लेकिन वो मुश्किल हो गया था क्योंकि मगर चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल था और टाइम बहुत थोड़ा था। हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमें पर्सनली जुहेब भाई को भी मुझे भी कुछ ऐसी कॉल्स आई हुई थी और भी दोस्तों को आई थी, उनसे मिलवाता हूँ अभी आपको, कि अंदर जिनको ज़रूरत थी आज जिन जगह एक जगह देखे आए वो बंदा, उस टाइम मुझे बड़ी गिल्टी फील हुई कि उन बंदों ने मुझे सुबह का कहावा था और मैं उठा ज़रा कुछ लेट था, हम सारे लेट उठे थे, हम वहाँ लेट पहुँचे, वो बंदा कहता है मैंने कल का खाना नहीं खाया हुआ, तो अब वो राशन के इंतज़ार में था।
बाकी बातें करते हैं मैं आपको। नहीं, इंशाल्लाह सब भाई कंट्रीब्यूशन कर भी रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भी हमारे साथ चलें। हम सब भाइयों का मैसेज आगे कन्वे करें, एक अच्छी एक तहरीक है, इसको जितना हम लेके चल सकते हैं चलेंगे। तो जिन जिन भाइयों ने कंट्रीब्यूशन किया उनको थैंक यू सबसे पहले, और सब उन लोगों की दुआएं जिन तक उनका वो सामान पहुंच सका उनकी मेहनत की वजह से। तो बीच में एक जरिया ही बनना होता है, हम समझ लें जरिया बने हैं सामान पहुंचाने का। तो इंशाल्लाह आपको आगे भी इस तरह ही अपडेट करते रहेंगे, कल भी ऐसा ही प्रोग्राम है, आगे भी है, चलता रहेगा जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं होता कोरोना का। क्योंकि मिलके जो करते हैं ना बंदा, वो एक क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाती है और एक आप बहुत सी चीजों में हेल्प आउट हो जाते हैं। क्योंकि एक बाय कर चीजें बाय करनी हो आप, तो क्योंकि आप सीधी सी किसी भी दुकान से या स्टोर से ले रहे होगे, वहाँ फोन कॉल कर दोगे, अपना ऑर्डर बता दोगे, वो तो बना देंगे। मेन मकसद होता है आगे पहुंचाने का। अब वो आप देखना होता है कि कौन सा बंदा है जिसको सही जरूरत है, कैसे करेंगे, असल मेन चीज वो है। और आजकल जो टाइम है कि हमने बहुत से लोग देखे हैं जो सड़कों पे बाहर निकले थे चीजें बांटने के लिए, लेकिन वहां पर ये था कि लोग इस तरह बढ़ जाते हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि अपनी सेफ्टी जरूर करें। हम लोगों ने भी मास्क नहीं पहने कि हम लोग भी खाना खा रहे थे तो एकदम वैसे इधर आ गए हैं। तो सबसे पहले कि अपनी सेफ्टी जरूर करें, कि लोग ऐसे एकदम ऊपर आ जाते हैं। हम भी आज बाहर निकले एक दो जगह पे, ऐसी कोशिश की कि जो लोग बैठे उनको दें, लेकिन अब से रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा था कि ऑब्वियसली हर बंदे ने अपने आप को बचाना है, तो हमने उस चीज से गुरेज किया। तो वैसे सबसे पहले अपनी सेफ्टी करें, उसके बाद सारे काम करें। और बेहतर यही है कि आप बस बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा कि हर बंदा अपनी अपनी गली में देखना, अपनी अपनी स्ट्रीट में देखना शुरू कर दे कि आपके पास भी ऐसा बंदा, घर के पास नहीं है, घर पर थोड़ा दूर देख लो कि जिसकी आप एक बंदे की हेल्प आउट कर दो तो पूरी फैमिली की हेल्प। बाकी जो हम लोगों ने पहले आपसे बात कर ली, तो बाद में मैंने सोचा कि यार जो बाकी दोस्त हमारे साथ थे, और भी दोस्त थे लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे थे, मैं सोचा मैं आपसे उनको मिलवा दूँ। ये बासिर भाई, इनका तो आपको पता ही है, पहले थोड़ा क्लिप आया था इसका, तो ये बकर भाई हैं। इनका, इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन लोगों ने हमारी हेल्प की, कि हर जगह भाग दौड़ के आगे हुए, जो जो काम था मिलके सब ने किया। बाकी मैं चाहता था कि सबका एक रिएक्शन या एक कोई मैसेज देना चाहे वो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो बाकी बकर भैया कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे में इतनी तौफीक नहीं थी, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम गरीब आवाम के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हमने इस काम में। अल्लाह ताला हमें मज़ीद तौफीक दे, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, सब इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें सवाब की नियत से। जज़ाकअल्लाह। बाकी देखें, अब जी बात उनकी बहुत अच्छी है कि अगर बंदे के ना अंदर हिम्मत हो और विल पावर, और अपने एक बात होती है बहुत ज़्यादा कि आप सोचते क्या हो। अगर आप सोच रहे हो कि यार आपने किसी की हेल्प करनी है, तो नो मैटर कि आपके पास उतने पैसे नहीं है या आपके पास उतने वो ऑप्शंस नहीं है, जब आपने चीज़ सोच ली है, अपने दोस्त, यार मैं तो सोचता हूँ कि दोस्त इसी वजह से होते हैं कि आप एक अच्छी चीज़ों में भी और बुरी चीज़ों में, चलो दोस्त साथ होते ही हैं, लेकिन अच्छी में भी साथ होना चाहिए। अब आप एक बंदे ने अब आगे हुए, अब सारे दोस्त साथ हैं, तो अब मैं तो कोशिश भी करूंगा, आगे सब कोशिश करेंगे, हम करते रहें यही बात। क्योंकि अभी बात ये है कि यार हमारा जो सिस्टम से हम चल रहा है ना, वो बहुत बुरा है, क्योंकि हम खुद जाके देख के आ चुके हुए हैं कि हमें अभी तक फील हो रहा है कि यार कि वो लोग किस कदर उन चीज़ों के लिए, मतलब कि एक तड़प होती है ना इंसान के अंदर, उसकी आंखों से देख के पता चल जाता है कि यार कि वो इस चीज़ को किस तरह चाह रहा था कि हमें किसी तरह मिल जाए से। बाकी बासिर भाई, यार यही है कि हमारी यूथ को ना इस चीज़ में आगे होना चाहिए। अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जो जवानी की नेकी होती है ना, वो अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। तो हमारे जैसे लड़के रोज़ कितने पैसे खर्च कर लेते हैं, इसी तरह ना हमें कोई एक हमारा पॉकेट मनी का हिस्सा इन चीज़ों के लिए रखना ही चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अब पूरे साल में हमें चाहिए कि हम ना एक थोड़ा थोड़ा अपनी पॉकेट मनी का हिस्सा इन चीज़ों के लिए रखें। बाकी अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम बड़े नेक हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, सारी एको आते हैं, लेकिन वो एक पोजीशन ऐसी, एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि जिसमें हम लोग को ना थोड़ा सा एक अलग तरीके से सोचना पड़ा बस। बाकी मैं तो बस दुआएं करूंगा कि अल्लाह हम सबको हिम्मत दे और आगे भी करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी